स्टॉक है वो कैश मार्केट का स्टॉक और एक छोटी प्राइस वाला स्टॉक है, हालांकि अच्छा मार्केट कैप है 5,500 करोड़ का। कंपनी का नाम है इंफीबीम एवेन्यूज, जो कि अभी 42 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। एक दमदार कारोबार है इस कंपनी का, मैं इसको डिटेल देख रहा था। ये कंपनी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, जिसका इनका ब्रांड है सीसी एवेन्यू, और एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जिसमें इनका ब्रांड है बिल्ड अ बाजार, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करती है। कंपनी इंटरनेशनली भी प्रेजेंट है, इनका भारत में तो कारोबार है, इसके अलावा यूएस, फिर यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज में काम है। और इनका जो प्लेटफॉर्म है ये जो डिजिटल पेमेंट का, ये यूज करती है HDFC बैंक, कोटक बैंक, जेपी मॉर्गन और बैंक मस्कट, इस तरह की कंपनी है। और ये जो इनका जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है वहां पे 25 लाख मर्चेंट इनके प्लेटफॉर्म पे है, रोज के 2000 मर्चेंट ऐड होते हैं। और इस तरह के स्टॉक का हमको पता है कि वैल्यूएशन कुछ भी होता है। और ये कंपनी ने कल अपने तिमाही नतीजे पेश किए मार्च क्वार्टर के, बहुत ही दमदार नतीजे थे, 32 करोड़ का प्रॉफिट और वर्सेस 12 करोड़ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर में, और 17 करोड़ था पिछले साल, जिसके सामने 32 करोड़ का प्रॉफिट, FIIC अराउंड 6.1% हिस्सेदारी है। और कल इन्होंने एक अनाउंसमेंट करा कि इन्होंने रिलायंस जियो के साथ, उनके जियो प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया है, और एक इन्होंने RBI के पास एक एप्लीकेशन डाली है रिटेल पेमेंट लाइसेंस के लिए, और उसमें किसके साथ, रिलायंस जियो है, फेसबुक है और गूगल है, इन तीनों के साथ मिलकर एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए अर्जी डाली है, जो कि रिटेल पेमेंट लाइसेंस के लिए अपनी सब्सिडियरी है सो हम भारत डिजिटल पेमेंट उसके साथ उसके नाम से। अगर इस तरह का कुछ लाइसेंस मिल जाता है तो फिर तो मैं इस स्टॉक पे बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स की उम्मीद करूंगा। और इसके अंदर इन्होंने एक 2018 में एक कंपनी इंस्टेंट ग्लोबल पेटेक में हिस्सेदारी खरीदी थी, जिनका एक गो पेमेंट नाम से पेमेंट गेटवे है, जैसे पेटीएम है। और आज इस स्टॉक को पिक करने के पीछे भी कारण है कि पेटीएम की आज बोर्ड मीटिंग है, जिसमें वो $3 बिलियन का एक IPO का प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब जिस तरह के वैल्यूएशन पेटीएम को मिलेंगे, अगर वैसे देखेंगे तो ये स्टॉक तो कुछ भी हो सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म में मेरे इसमें 55 रुपए के टारगेट है, बट मेरा मानना है इस स्टॉक को कुछ क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रखना चाहिए। मुझे याद आता है तानला प्लेटफॉर्म्स करके जो आजकल स्टॉक 900 रुपए पे चल रहा है, 3-4 साल पहले तानला सॉल्यूशंस नाम होता था, 40-45 के भाव थे, और वो भी ये टेलीकॉम मोबाइल मैसेजिंग के कारोबार में थी, मैंने तब उसको आइडेंटिफाई करा था, आज 900 रुपए के भाव है 4 साल बाद। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अगर सब कुछ मटेरियलाइज हो गया तो इट कैन सडनली टर्न आउट टू बी अ बिग मल्टीबैगर।